आपको बता दें, स्थानीय नगर सफीपुर में स्थित डाकघर में आधार कार्ड बनवाने तथा संशोधन कराने के लिए टोकन लेने लोग भारी संख्या में पहुंचे तथा सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई। लोगों को लाइन में खड़े होकर घंटों इंतजार करने के बाद मायूस होकर लौटना पड़ा। लोगों ने बताया कि वह कई दिनों से आधार कार्ड बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। सुबह 9 बजे आने पर कर्मचारी 2 बजे के बाद कार्ड बनवाने को कहते हैं, लेकिन 2 बजे के बाद किसी को दूसरे दिन बुलाया जाता है तो किसी का फॉर्म जमा कर 15 से 20 दिन बाद आने की सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा परेशानी स्कूलों व कॉलेजों में एडमिशन कराने वाले छात्र छात्राओं को हो रही है। आधार कार्ड न बनने से उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। साथ ही जिन गर्भवती महिलाओं के आधार नहीं बने हैं उन्हें भी प्रसव से पहले दस्तावेज कंप्लीट करने में समस्या उत्पन्न हो रही है। जानकारी के अनुसार केवल डाकघर में ही आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, यहाँ भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिल रही है। सभी कभी कार्ड बनते हैं तो कभी लोगों को सिस्टम में खराबी व अन्य समस्याएं बताकर टरका दिया जाता है। आधार कार्ड बनने वाले सभी स्थानों पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा हो जाती है जो पूरे दिन लगी रहती है।